हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम जानने वाले हैं कि झारखंड पुलिस जो होती है उसके लिए लंबाई क्या चाहिए, ठीक ना, सीना क्या चाहिए, और उसके लिए मेडिकल टेस्ट किस प्रकार का होता है। तो ये चीज़ें सारा का सारा हम जानेंगे। चाहे आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हो यानी कि जीडी के लिए, ठीक ना, या फिर आप होम गार्ड के लिए फॉर्म भरते हो, या फिर आप एसपी डीएसपी लेवल का, चाहे आप एसआई लेवल का, ठीक ना, जो भी लेवल का फॉर्म भरे हैं झारखंड पुलिस से संबंधित, उनमें हाइट यही लगेगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, और आपका चेस्ट यानी कि सीना छाती वही लगेगा, और आपका जांच क्या होगा सुनिए। देखिए सबसे पहला आता है हमारा जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को कितनी लंबाई चाहिए। तो जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को लंबाई चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितनी? 165 सेंटीमीटर। अगर हम इसे फीट में बोले तो आपका हो जाएगा 5 फीट 5 इंच। कितना? 5 फीट 5 इंच, ठीक है, लंबाई चाहिए किसके लिए? जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए, ठीक, ओबीसी उम्मीदवार। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, ये पुरुष के लिए मैंने अभी बताया, पुरुष उम्मीदवार, ठीक, ओबीसी और जनरल पुरुष उम्मीदवार के लिए 5 फुट 5 इंच हाइट, ठीक। अब पुरुष उम्मीदवार एसटी और एससी से आते हैं, एसटी एससी, ठीक ना, उनके लिए हाइट कितनी चाहिए यानी कि लंबाई? उसके लिए लंबाई चाहिए 162 सेंटीमीटर। इसे अगर हम फीट में बोलें तो 5 फुट 4 इंच होगा, 5 फीट 4 इंच, यानी कि 5 फुट 4 इंच में होता है 162.5, ठीक ना, 162.5, लेकिन 162, तो हम 5 फीट 4 इंच इसे मान के चलते हैं, ठीक, 5 फीट 4 इंच से थोड़ा सा कम होगा लेकिन इतना हम मान के चलेंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या आता है, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक ना, जनरल और ओबीसी महिलाओं के लिए लंबाई कितनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। अगर इसे हम फीट में बोलें तो फीट में हो जाएगा ये 5 फुट 1 इंच। कितना? 5 फुट 1 इंच होगा, ठीक। और देखिए एसटी और एससी महिलाओं के लिए कितनी लंबाई चाहिए? अगर आप एसटी और एससी महिलाओं में आते हैं, ठीक ना, तो उन महिलाओं के लिए लंबाई चाहिए 152 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट, 5 फीट से थोड़ा सा कम, 152.5 में होता है 5 फीट, तो 152 सिर्फ चाहिए, यानी कि 5 फीट से थोड़ा सा कम, ठीक। अब देखिए हम बात कर लेते हैं चेस्ट यानी कि सेना की। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की सीमा यानी कि जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों की सीमा, जो सीना होती है चेस्ट, कितनी होनी चाहिए? 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए, बिना फुलाए, ठीक ना, फुला के नहीं, फुला के तो 5 सेंटीमीटर और ज्यादा करना होगा आपको, बिना फुलाए कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। और वहीं हम एसटी और एससी उम्मीदवार के पुरुषों की सीना का बात करें तो 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, तभी ना लगेंगे कि हाँ एक पुलिस नौजवान है। आपका सीना चौड़ा नहीं होगा तो कैसे आदमी देखेगा कि पुलिस है? आप खुद गजा जैसे दिखेंगे, बीमार जैसा, तो पुलिस में थोड़ा फिट चाहिए ना, तो सीना नहीं है तो बढ़ा लीजिए, ठीक। हाइट तो बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही कोशिश नहीं कीजिए हाइट को दवा खा के बढ़ाने का, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल, यानी कि मेडिकल में आपके कौन कौन सी जांच होती है। ये तो हो गई सीना, सीना में यहाँ पे मैं नोट के लिए बता दूं कि महिलाओं को सीना यानी कि चेस्ट नाप नहीं होता है, ठीक, महिलाओं का सीना नाप नहीं होता है, चेस्ट का नाप नहीं होता है। अब देखिए आपको मेडिकल में कितने प्रकार के चीजों को चेक किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेडिकल में पहला चीज क्या है मेडिकल में, शरीर में हड्डी और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक ना, हड्डी से संबंधित या जोड़ों से संबंधित, घुटनों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, एक नंबर हो गया। दो नंबर क्या बोल रहा है, उम्मीदवार के संबंध में मानसिक यानी कि आप पागल वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक ना, मानसिक विकृति या दौरे नहीं पड़ने चाहिए, यानी कि मिर्गी का दौरा नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि पता चला कि आप एनकाउंटर करने गए हैं किसी का और खुद वहां पे लुढ़कने लगे हैं तो ऐसे में काम नहीं ना चलेगा, इसलिए मिर्गी का दौरा और मानसिक रूप से अगर आप पागल टाइप के थोड़े करते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ठीक, दो चीजें हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या है, हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य होना चाहिए, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ना तो ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज्यादा कम, ठीक, और जो हृदय तक यानी कि चेस्ट तक रक्त लेके जाता है वाहिकाएं, वे भी पूरा आपकी फिट होने चाहिए। चौथे नंबर में क्या होना चाहिए, शारीरिक अपंगता ना हो, यानी कि आप विकलांग ना हो, ठीक, शारीरिक रूप से अगर आप विकलांग हैं, हाथ पैर किसी भी प्रकार का, तो आपको नहीं लिया जाएगा, साफ साफ इन्होंने कह दिया। पांचवा चीज क्या है सुनिए, पांचवा, उम्मीदवार क्लेव हैंड नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका हाथ जो है
टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उंगलियां किसी किसी की टेढ़ी होती हैं, दो चार उंगलियां टेढ़ी होती हैं, तो ऐसे में उम्मीदवार को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको गन चलाना होगा भाई, बंदूक चलाना होगा, तो ऐसे में आप बंदूक नहीं ना चला पाएंगे सही रूप से, इसलिए आपको नहीं लिया जाएगा। छठा नंबर पे देखिए, HIV यानी कि आपको एड्स की बीमारी नहीं होनी चाहिए। HIV जो एड्स में होते हैं, ठीक ना, विषाणु उनको कहा जाता है, वायरस को, तो एड्स की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। सातवें नंबर क्या होता है सुनिए, पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि आँख से संबंधित है, यानी कि आपको दूरदृष्टि है तो ठीक है, लेकिन आपका 6x6 होना चाहिए, ठीक, दूरदृष्टि हो चाहे निकट दृष्टि हो। पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से एनक यानी कि चश्मा सहित, आपका अगर चश्मा सहित 6x6 हो जाता है, ठीक ना, तब आपको हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा होता है तब आपको कुछ परेशानी हो सकती है। उसके बाद 8 नंबर में, 8 नंबर देखिए, उम्मीदवार को कलर ब्राइटनेस, जिसे हिंदी में वर्णाधत्ता कहा जाता है, ठीक ना, कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, और निशाधत्ता यानी कि नाइट ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, वरना पता चला कि रात को आप गए हैं किसी चोर को पकड़ने और आपको कहीं दिखिए नहीं रहा है, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक ना, तो किसे ठोक देंगे मालूम नहीं चलेगा। इसलिए 9 नंबर में आप देखिए क्या बताया, रूटीन ECG। ECG क्या होता है कि जो हार्ट अटैक वगैरह होता है ना, उससे संबंधित रोग होता है, तो हार्ट से यानी कि हृदय से संबंधित कोई भी रोग आपका नहीं होना चाहिए। नंबर 10 में देखिए, उम्मीदवार का श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता आपकी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कोई दूर से बोलेगा कि भाई मतलब कुछ भी काम हो सकता है, तो आप नहीं सुन पाएंगे, तो इससे में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपकी कान में सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। 11 नंबर में देखिए, ये लड़कों की समस्या है, हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल, बेरिकोसिल या पाइल्स, पाइल्स यानी कि समझ रहे होंगे, ठीक ना, जो होता है ये सब चीजें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता या विकृत होने की संभावना है, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार चमड़ी में कोई ऐसा रोग है जो आपको काफी ज्यादा हार्ट पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, ठीक ना, छोटा वोटा दाद है तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा है तब ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको चेक की जाती हैं मेडिकल में, और हाइट में और चेस्ट में। तो 3 चीजें आज मैंने आपको बता दी पूरी क्लियरिटी के साथ, जो भी था कोई चोरी छिपे नहीं, सारा कुछ आपके सामने, जो भी चीज मैं बताऊंगा पूरे एकदम क्लियरली बताऊंगा, ठीक ना, और कोई भी ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जो आपको झूठा लगे। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्हें झारखंड पुलिस में जाने का काफी शौक होता है। धन्यवाद, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।